नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेली में ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, टेली में यदि आप कंपनी बनाने के बाद लेजर बनाना चाहते हैं तो लेजर बनाने के लिए हमको ग्रुप्स का पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप्स के माध्यम से ही टेली में लेजर बनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ग्रुप्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप टेली में किस तरह से नई कंपनी बना सकते हैं, कंपनी को किस तरह से अल्टर कर सकते हैं या कंपनी को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। कंपनी बना लेने के बाद यदि हमें हिसाब किताब या अकाउंटिंग रखनी है तो वो मैनुअल भी हो सकती है और कंप्यूटराइज भी हो सकती है। जब हम मैनुअल यानी हाथ से हिसाब किताब या अकाउंटिंग रखते हैं तो हमें अकाउंट के लिए कुछ बुक्स रखनी पड़ती है। जो फर्स्ट बुक होती है अकाउंटिंग की वो होती है जनरल, उसके बाद लेजर, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। ये हाथ से हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो इस सारी बुक्स हमको मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन जब हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर जनरल से पहले लेजर बनाने होते हैं, यानी सबसे पहले हमको खाते या लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके बाद जनरल एंट्रीज की बारी आती है। तो दोस्तों, लेजर बनाने के लिए आपको जाना होगा अकाउंट्स इन्फो पर एंटर, लेजर पर एंटर, फिर क्रिएट पर एंटर। तो यहाँ आपको लेजर क्रिएशन स्क्रीन दिखाई देगी। इसी तरह से अगर आप इसका शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो अकाउंट्स का ए और लेजर के लिए एल और क्रिएट के लिए सी। जब आप ए एल सी तीनों कीबोर्ड से एक साथ प्रेस करेंगे तो आप लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ हमको जो भी एंट्री होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लेजर का नाम लिखना होता है। तो नाम लिखने के लिए सपोज मैं एक एंट्री आपको बताता हूँ, जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 80,000, यानी राम कोई व्यापारी है, उसने अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए व्यापार में 80,000 रुपये लगाए। तो यहाँ हमको उस एंट्री के अकॉर्डिंग लेजर या खाता बनाना होगा। तो जो एंट्री है वो एंट्री इस तरह से होगी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। अब कैश अकाउंट डीआर, तो इस एंट्री में दो लेजर्स हैं, एक कैश है और दूसरा कैपिटल, जिसे हम पूंजी भी कहते हैं। तो कैश यहाँ पर आपको टाइप करना है, लेजर का नाम हमको यहाँ इस स्क्रीन पर जहाँ कर्सर आ रहा है वहाँ टाइप करना है, सी ए एस एच। जैसे मैंने कैश लिखा और एंटर किया तो टेली हमको एक वार्निंग मैसेज शो करता है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री। अरे डुप्लीकेट एंट्री कैसे हो गई? तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बात बता दूँ कि टेली के अंदर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो खाते, ये दो लेजर्स पहले से ही बने हुए होते हैं, हमें इनको नहीं बनाना होता। तो इस एंट्री में दूसरा जो खाता था वो था कैपिटल। अब कैपिटल मुझे यहाँ बनाना है तो आपको इसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप दूसरा लेजर लिखेंगे सी ए पी आई टी ए एल, देखिए कैश हमारा वहाँ से हट गया है। अब कैपिटल जो लेजर है उसे मुझे बनाना है। जैसे मैं कैपिटल लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये अलाइस नाम का एक और ऑप्शन है यहाँ आ चुका है, जिसके बारे में मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। देन आपको एक एंटर और प्रेस करना है, तो आप जैसे ही अंडर सेक्शन पर आएंगे तो आपको साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई देंगी। यहाँ खूब सारे ग्रुप्स हैं जिनमें से आपको किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट करना है जो इस लेजर से रिलेटेड है। तो मुझे ये पता है कि कैपिटल जो लेजर है उसका ग्रुप कैपिटल ही होता है। तो कैपिटल देखिए फर्स्ट टाइम पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, क्योंकि टेली को भी पता है कि जब आप नई कंपनी बनाते हैं तो सबसे पहले कैपिटल की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। तो अभी ये ऑलरेडी यहाँ सेलेक्टेड आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस करना है। एंटर तब तक प्रेस कीजिए जब तक ये लेजर सेव नहीं हो जाए, ना अभी आपको कुछ DRCR करना है, ना ही कोई अमाउंट यहाँ पर डालना है, बस एंटर करते जाइए, एक्सेप्ट और देन इसको यस कर लीजिए। तो हमारा कैपिटल लेजर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री आती है, सपोज परचेस गुड्स, माल खरीदा, तो हमारी एंट्री होगी परचेस अकाउंट DR टू कैश। अब यहाँ पर भी इस एंट्री में दो लेजर्स हैं, परचेस और कैश, तो हमको परचेस लेजर बनाना है। तो वहाँ ऊपर परचेस लिखना होगा, परचेस देन एंटर एंटर। अब फिर से टेली हमसे पूछ रहा है कि ये जो परचेस लेजर है उसका ग्रुप क्या होगा, तो यहाँ हमको इस लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से ग्रुप सेलेक्ट करना है। दोस्तों,
पेली में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कुछ प्राइमरी ग्रुप्स हैं और कुछ सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। तो यहाँ परचेस का जो लेजर है उसका ग्रुप होता है परचेस। तो आप कीबोर्ड से सिंपल पी प्रेस कर दीजिए, स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर पी प्रेस कीजिए, तो परचेस यहाँ पर पी वाले सारे हाईलाइट हो गए हैं और वहाँ से आपको एरो के थ्रू परचेस जो अकाउंट लिखा हुआ है वो ग्रुप सेलेक्ट करना है। देन एंटर 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 एंटर। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री आती है परचेस गुड्स फ्रॉम रवि। तो एंट्री होती है परचेस अकाउंट DR टू रवि। ऐसी कंडीशन में परचेस लेजर हम पहले ही बना चुके हैं तो फिर से नहीं बनाएंगे। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो टेली आपको डुप्लीकेट लेजर का एक वार्निंग मैसेज शो कर देगा, इसलिए अब मुझे रवि बनाना है। अब रवि जो पार्टी है वो हमसे पैसा मांगती है क्योंकि हमने उससे गुड्स परचेस किया है उधार। तो इसलिए यहाँ फिर से टेली आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि रवि किस ग्रुप का लेजर है या वो किस ग्रुप का मेंबर है। तो यहाँ मुझे पता है कि रवि हमसे पैसा मांगता है और जो लोग हमसे पैसा मांगते हैं उन्हें हम सैंड्रिक क्रेडिटर कहते हैं। तो एस प्रेस कीजिए, एस वाले सारे हाईलाइट हो गए और उसमें से आपको सैंड्रिक क्रेडिटर यानी विविध लेनदार इस ग्रुप को आपको सेलेक्ट कर लेना है और तब तक एंटर प्रेस करना है जब तक ये सेव ना हो जाए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैं जो भी लेजर का नाम लिख रहा हूँ उस लेजर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो अब ये ग्रुप है क्या और इनको हम कैसे यूज़ करें, तो चलिए मैं आपको पहले ग्रुप्स के बारे में समझा देता हूँ कि ये आखिर है क्या। दोस्तों टेली एक सॉफ्टवेयर है और इसमें सभी लेजर्स के लिए कोई ना कोई ग्रुप को डिफाइन किया गया है। ग्रुप्स अपने आप में एक तरह का कलेक्शन है जिसके थ्रू टेली के अंदर सारी फाइनल रिपोर्ट्स यानी फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ग्रुप है उस ग्रुप में हम ऑफिस से संबंधित सारे खर्चों का लेजर इस ग्रुप में ओपन करते हैं, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, बैड डेब्ट्स, ये सारे खर्चे हैं जिनको हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम के ग्रुप में ओपन करना होता है। यानी जब आप यहाँ सैलरी पेड का लेजर बनाते हैं तब आपको उसका जो ग्रुप सेलेक्ट करना होता है वो ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है क्योंकि वो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। इस तरह से यदि आपके कंपनी में आपके पास कोई असेट है तो आपको उसके लिए फिक्स असेट ग्रुप का यूज़ करना होता है, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, स्कूटर, कार, फर्नीचर, ये सारी हमारी जो संपत्तियाँ हैं स्थाई संपत्तियाँ, तो उनका जब हम लेजर बनाएंगे तो उसके लिए पहले से एक ग्रुप डिफाइन है जिसको फिक्स असेट कहा जाता है। इस तरह से आप जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो यदि आपका करंट अकाउंट है तो आपको बैंक अकाउंट ग्रुप का यूज़ करना है, सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको बैंक अकाउंट का यूज़ करना है। कहने का मतलब मेरा ये सीधा सा है कि जब आप कोई भी लेजर बनाते हैं तो उसका ग्रुप पहले से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, हमको उस लेजर को उस ग्रुप में ही डालना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे अकाउंट्स तैयार होते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस ग्रुप में हमको कौन कौन से लेजर्स ओपन करने हैं। यदि आपको ये पता चल जाए कि किस ग्रुप में कौन कौन से लेजर्स ओपन होंगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और आप आसानी से टेली में अकाउंटिंग कर पाएंगे। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा कि किस ग्रुप में आपको कौन सा लेजर ओपन करना है और उस ग्रुप का क्या मीनिंग है। तो दोस्तों अगला वीडियो देखना आप बिल्कुल नहीं भूलें क्योंकि उसके माध्यम से आप लेजर क्रिएशन जो प्रोसेस है उसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी, क्योंकि इस लिस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेजर को हमको किस ग्रुप में डालना है। और जब ये हमें पता चल जाए कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाने वाला है तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाने वाला है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।